सिंगरौली में महामारी कोरोना की वजह से बंद जनसुनवाई एक बार फिर शुरू कर दी गई है। जनसुनवाई में कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की परेशानी सुनी और हल निकालने की बात कही। लगभग 9 महीने के बाद कलेक्ट्रेट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जनसुनवाई शुरू की गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए 100 की संख्या में आवेदन कार्यकर्ता ने अपनी समस्या कलेक्टर को बताई। बताया जा रहा है जो लोग जनसुनवाई में नहीं आ पाए हैं वे अगले मंगलवार को जनसुनवाई में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान जनसुनवाई में आए हुए व्यक्तियों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शासन के निर्देशानुसार हम जनसुनवाई कर रहे हैं। इसमें लगभग 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ के जो रहवासियों ने बताई हैं उन पर जांच कराकर जो भी त्वरित कार्रवाई हो सके उसको करवाने का हम कार्य इसमें करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।